कुबरा ये बताएं, यू आर नोन फॉर योर इंटेंस कैरेक्टर्स एंड योर इंटेंस प्लेज, मगर आपके अंदर एक बहुत एक गिगली किस्म की खातून भी है जिसको कोई दौरा पड़ जाए लाफ्टर का तो वो बंद नहीं होता जी हाँ। ये कहाँ तक सच है? ये 100% सच है। किस बात पे आपको दौरा पड़ता है? वैसे ही पड़ जाता है कभी कभी, पता नहीं क्यों, रात के 12 बजे के बाद ज्यादा होता है वैसे। रात के 12 बजे के बाद आपको हंसी का दौरा पड़ता है? जी ये म्यारी सवाल निकल जाने। एक्चुअली मैं फिल्म के सेट पे थी, एक फिल्म है जवानी फिर नहीं आनी 2, उसके सेट पे थी, तो मेरी हंसी पे काफी लोग हंसते थे, तो उसकी वजह से आई वाज लाइक मैं चुप भी कर जाती हूँ अब। नहीं मगर ऐसा क्या है सर, आपको लगता है उनकी हंसी में कोई मसला है? नहीं, नहीं, आपने भी सुनी नहीं है ना मेरी हंसी, आपने तो सुनी है। वो साथ उस वक्त बैठे हैं, उनको सांस रोक के बैठे हैं आपकी हंसी के लिए। उन्होंने हंस के तो सो काफी दिन तो हंसे नहीं। मगर नहीं वैसे सर, आपको लगता है कोई आवाज आ रही है उनकी हंसी को, डिफरेंट लग रही है आपको? मेरी हंसी दो तरह की होती है, एक होती है शक्ति कपूर की तरह और दूसरी है जब रिक्शा स्टार्ट नहीं होता और फिर स्टार्ट नहीं होता, वैसे हंसी। तो ये हमें करके दिखाएंगे, ये कौन सी है? पहले रक्षे वाली दिखाइए। अभी नहीं होगा, वो नेचुरली आएगी जब सही हो जाएगा। और शक्ति कपूर वाली वो तो कुछ कहिए, मुझे कसम ऐसी खबर लेके आया, मेरी नौकरी भी गई। अच्छा क्यों? अल्लाह दे बंदे हो, मैं तुहानू गल, मेरा दिल हुंदा कि मैं तुहाडे नाल गल सेलिब्रेट करा, सेलिब्रेट नहीं शेयर करा, करा। हाँ मैं मियां साहब का फोन आया, कौन से वाले? अपना बड़े मियां साहब का। अच्छा। मैंने कहना ना काम टू द नाश्ता, मैं खुशी हुई क्योंकि बड़े अरसे बाद नाश्ते ते बुलाया ना। लो जी मैं उड़दा गया डाला लैके, अगे मियां साहब अई बैठे कल्ले, मैं क्या सर नाश्ता? मैंने कहना ने लिया नहीं। मैं कह सर ये की कह रहे हो? मैंने कहना पुत्र आजकल नाश्ता जरूरी नहीं, गुफ्तगू जरूरी है। ओए ओए, मैं क्या आई एम सॉरी सर, हुक्म करो मैंने क्यों बुलाया ने? मैंने को बोला की कहें, मैं तेरे को पूछ रहे हो तो मेरे को पूछ रहे हो? अल्लाह दे बंदे मैंने कहें कि पुलिस की नौकरी चो रिजाइन कर दे, असी तुहानू अपना तर्जमान रख रहे हैं। मैनू कह रहे हैं तुम्हें मियां साहब, मगर उनके पास तो पहले जो तर्जमान। हाँ मैं उन्होंने कहा, मैं सर जेड़े तुसी पहले तर्जमान रखे ने हुण लोगों ने फ्रीजर च रखे ने। तर्जमान? हाँ सर तर्जमान, हुण मैं तो नहीं ना हो सकता। हाँ। वो पहले उन्होंने नाल आया सर ना अपना मुसद्दक मलक साहब, फिर हुण अपना उन्होंने नाल ने अपना वजीर आजम जेड़े नवे ने शबाज शरीफ साहब, खाकान अब्बासी साहब, फिर उन्होंने ना। मैं क्या सर तुसी मुसद्दक मलक साहब नु लियाओ क्योंकि ही इज अ गुड डिफेंडर, मगर मुसद्दक नाले मेरा भला की मसला? मैं पुरानी गल्ला भूल जांदियां ने ते नवी गल याद नहीं आंदी। मैं क्या मसला ने, मैं तुहानू किवें डिफेंड करा भाई, किवें हुण मैं, तुसी क्या भी 6 महीने में बिजली आ जाएगी, बंदा डिफेंड कर सकता? मगर बात सुनो, लिहाजा मैं क्यों उन्होंने बुलाओ? यार वो तो बिजी है प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, तो वो कैसा? आज जी साहब मैं भी प्राइम मिनिस्टर, ओए यस मोहन चला दस यही नहीं। हाँ जी मोहतरम जनाब उमामा मलक साहब। अबे उमामा मलक भाई, ओ हेलो, ना 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 उमामा मलक, ओ मैं वेख के घबरा गया यार, वो अपना रहमान मलक साहब तो हो ही नहीं सकते, वो तो आजकल इंजॉय कर रहे हैं। मोहतरम जनाब मुसद्दक मलक बिल्कुल जी, जिंदगी दे विच अगर मैं किसी का फैन होया ना जी, ओ ए शख्सियत ने। अच्छा जी, पहले भी थोड़े प्रोग्राम च आए थे, 3 पीस, बढ़िया नॉट, सोना पेंट कोट, सोना बूट, ते हुण वेख लो जुराबा भी कोई नहीं। यार ये फैशन है। लेकिन मैं ये समझता हूँ एज ए पुलिस अफसर, इनको ही वापस मियां साहब के साथ होना चाहिए। अरे यार वो प्राइम मिनिस्टर के साथ है तो। सर जब तक मुसद्दक मलक साहब मियां साहब के साथ रहे हैं ना, उनकी किस्मत का सितारा चमकता ही रहा है। अब हालात चेंज हो गए हैं, बहरहाल मैंने इन्हीं का मशवरा दिया है। अच्छा। मैंने तो ये भी कहा है कि उनको जाती उम्र में एक किराए पे कमरा दे दें, किराया मैं ले दिया करूंगा। आप उनको ना करें, वो अच्छी खासी जॉब पे सलामत बैठे हुए, आप उनको क्यों? चलो फिर भी इन अनुतियों ना रहना चाहिए सर, आप क्या अपनी जॉब छोड़ना चाहेंगे? दिलों के प्राइम मिनिस्टर अभी भी नवाज शरीफ हैं, शायद अब्बासी साहब भी प्राइम मिनिस्टर के साथ है और मैं भी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ। समझ आई नहीं? हाँ ला जी, अल्लाह जानदा मैंने नहीं समझ आई। माशाल्लाह पीटीआई
पीटी आई नहीं है वो। अच्छा जी माशाल्लाह मैं देखे थे है तुम किधरे बिल बोर्ड पे टीवी पे बहुत बदल मुनीर खान साहबा वो तो पश्तो फिल्मां दे ने कुबरा खान साहबा बिल्कुल यार वो फिल्मां भी काम करते ने बिल्कुल माशाल्लाह तो घर नहीं काम करते खैर ना लाए मेहमान है मैं बात कर रहा हूँ शो के अंदर। अच्छा माशाल्लाह इत कराची नहीं रहते जी बिल्कुल बहरहाल मैं मन बड़ी खुशी हुई जी थोड़े नाम मिल और ले आओ डाला भाई हेलो क्या हुआ नहीं तो प्रोग्राम तो बाद जाना नहीं वो हम छुड़वा देंगे उनको थोड़े को सहूलत मौजूद बिल्कुल ओके सी यू यार अपना क्या हुआ वो बाजी होरां नाल फोटो लेनी बाजी होरां कोलों पुछो ना वो बाजी होरां मेरा समझ मेरी फैमिली इन्हां दी बड़ी फैन है। अच्छा ओ सॉरी सॉरी मैं थोड़े को इजाजत नहीं लई तुसीं बनाओ बनाने नहीं ना आंदी मेरे को कभी मुंह उधर हो जाता कभी इधर हो जाता इस साइड पे आ जाइए हैं बल्कि सड़क पे चले जाओ जी पहली बारी मेरी फोटो दो कान आए लेकिन मैं ये समझता हूँ एज ए पुलिस अफसर इनको ही वापस मियां साहब के साथ होना चाहिए। अरे यार वो प्राइम मिनिस्टर के साथ है तो सर जब तक मुसद्दक मलिक साहब मियां साहब के साथ रहे हैं ना हाँ। उनकी किस्मत का सितारा चमकता ही रहा है हाँ। अब हालात चेंज हो गए हैं बहरहाल मैंने इन्हीं का मशवरा दिया है। अच्छा मैंने तो ये भी कहा है कि उनको जाती उम्र में एक किराए पे कमरा दे दें किराया मैं ले दिया करूंगा। आप उनको ना करें वो अच्छी खासी जॉब पे सलामत बैठे हुए आप उनको क्यों चलो फिर भी इन उन्होंने रहना चाहिए सर आप क्या अपनी जॉब छोड़ना चाहेंगे दिलों के प्राइम मिनिस्टर अभी भी नवाज शरीफ शायद अब्बासी साहब भी प्राइम मिनिस्टर के साथ है और मैं भी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ समझ आई नहीं अल्लाह जानता मैंने नहीं समझ आई माशाल्लाह पीटीआई पीटीआई नहीं है वो। अच्छा जी माशाल्लाह मैं देखे थे है तुम किधरे बिल बोर्ड पे टीवी पे बहुत बदल मुनीर खान साहबा वो तो पश्तो फिल्मां दे ने कुबरा खान साहबा बिल्कुल यार वो फिल्मां भी काम करते ने बिल्कुल माशाल्लाह तो घर नहीं काम करते खैर ना लाए मेहमान है मैं बात कर रहा हूँ शो के अंदर। अच्छा माशाल्लाह इत कराची नहीं रहते जी बिल्कुल बहरहाल मैं मन बड़ी खुशी हुई जी थोड़े नाम मिल और ले आओ डाला भाई हेलो क्या हुआ नहीं तो प्रोग्राम तो बाद जाना नहीं वो हम छुड़वा देंगे उनको थोड़े को सहूलत मौजूद बिल्कुल ओके सी यू हाँ। यार अपना क्या हुआ वो बाजी होरां नाल फोटो लेनी बाजी होरां कोलों पुछो ना वो बाजी होरां मेरा समझ मेरी फैमिली इन्हां दी बड़ी फैन है। अच्छा ओ सॉरी सॉरी मैं थोड़े को इजाजत नहीं लई तुसीं बनाओ बनाने नहीं ना आंदी मेरे को कभी मुंह उधर हो जाता कभी इधर हो जाता इस साइड पे आ जाइए हैं बल्कि सड़क पे चले जाओ जी पहली बारी मेरी फोटो दो कान आए ओके ये बताइए कि हु वुड यू मे बी मैरी गौहर इग्नोर किसको करना चाहेंगी बिलाल अशरफ ही ऑप्शन है बाकी बिलाल अशरफ आपको ये इग्नोर करना चाहेंगी That's so evil.